हमने खुद इस पोटली में 6 चेने रखी थी, तुमने सिर्फ 5 दी है। एक चेन कहाँ है? पता नहीं मैम, शायद गिनने में कोई गलती हुई हो। नन्ना चोरी, एक मिनट। चेन ने गिनने में गलती ना हो छोरी, बल्कि थोड़ी नियत ही खोटी से। आपने जब पोटली भारी को दी तो उसमें पूरी 6 चेने गिन के दी कि ना? फिर जब हमने वही पोटली इसे थमाई तो हमने इसे भी गिनवाया। बोल, हाँ या ना? जी, गिनी थी वो। पर तो फिर जब उसमें से 1 चेन गायब हो गई तो फिर तू चोर हुई क्या? ना पोटली तो ना खा जाएगी ना? अगर मुझे चोरी करनी ही होती तो मैं पूरी पोटली लेके भागती ना। मैं 1 चेन क्यों चुराऊंगी? इस वक्त हमारे लिए चेन ढूंढने से ज्यादा जरूरी पूजा है, तो हम पूजा करने चलें, प्लीज। नहीं बन्ना, इस लड़की ने हमारे घर में चोरी करके हमारी पूजा को अपवित्र किया है। इसकी तलाशी तो होगी, हमने जो कह दिया सो कह दिया। ऐसा आप समझने की कोशिश कीजिए ना, आप सबने इसकी तलाशी ली तो हुई है। और फिर जस्ट बिकॉज़ ये मेरी सेक्रेटरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सबके सामने इसकी बेइज्जती करें। क्या है ये सब? दादी, अब जैसे आप सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वो मैं ऑडिशन के लिए गई थी ना, तो वहां मैं सिलेक्ट हो गई, तो वहां से एडवांस पेमेंट मिली थी, तो मैंने शॉपिंग कर ली। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी परवरिश पे उंगली नहीं उठने दोगी। ओके फाइन, आप लोगों को अगर चेंज चाहिए तो ले लीजिए भाई साहब, इसे दान में देकर आप पूजा की जो विधि है उसे समाप्त करिए। हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि पैसों की चकाचौंध में तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। खाओ कसम। हाँ दादी, मैं कसम खाती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती यार। और अगर कभी मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए दादी का प्रॉमिस तोड़ना पड़े ना, तो आई डोंट थिंक मैं पीछे हटूंगी। व्हाट? काव्या, तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है। मन्ने तो जेल लगे था कि उसे घसीट के हवेली की चौखट के बाहर फेंकेंगे, ताकि वो दोबारा हवेली की तरफ देखे तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन बन्ना जी ने अंत समय पर आकर सब गड़बड़ कर दी, इसका अंदाजा ना था हमारे को। सब मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये मेरी बैग में कैसे है। मैं तो बस सरा अपनी आंखें बंद करो। सब मैंने कहा अपनी आंखें बंद करो। बंद करो, रखो। कौन सी चीज़?
मेरे पास तो कोई चीज नहीं। यू नो व्हाट कर गया, तुम यहां से ऑफिस जाओ, मैं बाद में आता हूं। जी, ऐसा क्या हो गया कि आप उसके लिए हमारे खिलाफ खड़े हो गए? उसकी बहनों ने हमारी इतनी इंसल्ट की, फिर भी हम वो खून का घूंट पी गए, लेकिन इस लड़की ने हमारी पूजा को भंग करने की कोशिश की है और हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसी वक्त उस लड़की को हमारे घर से, हमारे ऑफिस से फायर करेंगे। फायर हर राइट नाउ, राइट नाउ, जस्ट डू इट।